क्लास 8 आज हम करेंगे वर्किंग विद पाइथन वाला टॉपिक डिस्कस। देखिए, वर्किंग विद पाइथन में क्या है, पाइथन में आपके दो तरीके के मोड होते हैं, सेल मोड एंड स्क्रिप्ट मोड। सेल मोड को इंटरैक्टिव मोड भी बोला जाता है। इस मोड में क्या है, देखो आपका पाइथन में हम इंटरप्रेटर यूज करते हैं एज एन ट्रांसलेटर आपका। तो यहाँ पे क्या है, इंटरप्रेटर होगा तो वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है। इतना आपको पता ही है, 6th क्लास में पढ़ाया गया था आपको। इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर आपके दो तरीके के ट्रांसलेटर होते हैं। यहाँ पे हम पाइथन में कौन सा ट्रांसलेटर यूज करते हैं, इंटरप्रेटर, जो कि हमारा लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है। जब वो एक लाइन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर देता है तो उस लाइन की आउटपुट एंड देन इंटरप्रेटर मूव ऑन द नेक्स्ट लाइन। तब वो क्या है, आपको साथ के साथ उस लाइन का आउटपुट डिस्प्ले करेगा और फिर ही नेक्स्ट पे मूव करेगा, फिर उस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा एंड उसके बाद उसकी आउटपुट डिस्प्ले कर देगा। देखिए, सेल मोड किस तरीके से ओपन करते हैं। सबसे पहले आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास मेन्यू आ जाएगा स्टार्ट का। ऑल ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर आपकी एक लिस्ट अपीयर हो जाएगी। उसमें आपको आपका पाइथन का सॉफ्टवेयर होगा, पाइथन का सॉफ्टवेयर होगा, पाइथन का जो है सॉफ्टवेयर, उस पर फिर आपको क्लिक कर देना है। उसको क्लिक करने के बाद क्लिक ऑन IDLE पाइथन 3.7.32 bit App to launch the cell mode of Python। उसके बाद आपको IDLE पे क्लिक कर देना है। उससे के बाद आपका सेल मोड एक्टिव हो जाएगा। ये देखिए, डू यू नो मी क्या है बोला इसने, द ऑल ऐप ऑप्शन हैज बीन रिमूव फ्रॉम द विंडो 10 एनिवर्सरी एडिशन। जो विंडो 10 का एनिवर्सरी एडिशन है उसमें से ऑल ऐप का जो ऑप्शन है वो रिमूव कर दिया गया है। देखिए, अब पाइथन में हम किस तरीके से कोड लिखते हैं, किस तरीके से प्रोग्राम लिखते हैं, देखिए आपका यहाँ पे है। ये हमारा पाइथन का इंटरफेस है, जो उसकी पाइथन की विंडो है। ये हम यहाँ पे पाइथन, जैसे पाइथन पे हमने क्लिक किया है, यहाँ पे देखिए ENSE ब्रैकेट, फिर आपका डबल कोट्स है फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। ये तो आपका उसी में लिखा हुआ होगा, बट हम हमारी प्रोग्रामिंग कहाँ से शुरू है, यहाँ से 12 प्लस 65, ठीक है। उसके बाद फिर आपका इसी तरीके से 3 एरोज हैं। फिर आपको जो भी प्रोग्राम आपको डिस्प्ले करना है, जो कंडीशन आपको डिस्प्ले करनी है, उसी तरीके का आप जो है यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया है, 12 प्लस 65, तो हमारा 12 प्लस 65 कितना होता है, 77। तो देखिए, 7 के 7 एग्जीक्यूशन हुआ है हमारा यहाँ पे, 7 के 7 एग्जीक्यूशन हुआ है। यहाँ पे देखो, इसने सेकेंड कंडीशन में इसने इस कंडीशन को फॉल्स बता दिया। इसने बोला कि 32 ग्रेटर होता है 65, जो कि फॉल्स है, तो फॉल्स दे दिया। तो ये क्या कर रहा है, आपका 7 के 7 आपको रिजल्ट दे रहा है। मीन्स इसमें हम इंटरप्रेटर का यूज कर रहे हैं।